आज राहुल जी ने करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता जो देश में हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो लोग बहुत दुखी हैं इस बात से कि राहुल जी ने इस्तीफा दिया। लेकिन मैं जो फैसला राहुल जी ने किया है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है। अगर आपको याद हो 2004 में कयास आराइयाँ लग रही थी कि सोनिया जी जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगी, और किस तरीके से उन्होंने वो पद लेने से इनकार किया और मनमोहन सिंह जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। अगर आपको याद हो कि 2009 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने ये कहा था कि राहुल जी को अब बागडोर संभाल लेनी चाहिए। जब राहुल जी ने उस वक्त मना किया था, तब भी बहुत सारे जो विरोधी हैं उन्होंने उसका बड़ा वो कहा था। मनमोहन सिंह जी ने आखिर में ये तक कहा कि राहुल जी कैबिनेट में आ जाएं। राहुल जी सत्ता के लालची नहीं थे, क्योंकि इस परिवार ने हमेशा त्याग दिया है। आप अगर देखें, मोतीलाल नेहरू से लेके जवाहरलाल नेहरू और राहुल जी तक, जिस तरीके से आज़ादी के आंदोलन में अगर सबसे ज़्यादा जेलें किसी ने काटी हैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने सारी आसाइशों के बावजूद, इलाहाबाद में आनंद भवन में रहते थे, उसके बावजूद वो सब छोड़कर जिस तरीके से इस देश की आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, जिस तरीके से इस देश के अंदर एक नया मॉडर्न इंडिया बनाने की उन्होंने बात की कि ये आधुनिक मंदिर है इस देश के, आज राहुल जी ने वो साबित कर दिया। और राहुल जी ने इस्तीफा दिया है, कांग्रेस की जो परंपराएं हैं उनको रखते हुए उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को मिसयूज़ किया गया, जिस तरीके से आरएसएस, तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, जिस तरह का हस्तक्षेप वो कर रहे हैं, राहुल जी ने कहा है कि अब मेरी लड़ाई जारी रहेगी और देश के करोड़ों कार्यकर्ता जो है राहुल जी के साथ इस लड़ाई में रहेंगे। और जो उन्होंने निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ कि हम सब बहुत आहत है, लेकिन उनके फैसला हमारे लिए सर माथे पर है। और पूरी तरीके से हर कांग्रेस का कार्यकर्ता ये कोशिश करेगा, जो रास्ता राहुल जी ने जो चिट्ठी लिखी है और उसमें जो उन्होंने एक रोड मैप बताया है कि किस तरीके से राष्ट्रीय सेवक संघ और सांप्रदायिक जो संस्थाएं हैं, वो इस देश की जो डेमोक्रेसी को, सेक्युलरिज्म को, भाईचारे को, जिस तरीके से केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए खंडित कर रहे हैं, राहुल जी वो लड़ाई जारी रखने का जो उन्होंने निर्णय लिया है और जिस डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने उसको कहा है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हर कुर्बानी देने को तैयार है उनके साथ ये लड़ाई लड़ने के लिए।